नमस्कार। देखो बच्चों, आज अपने पढ़ते हैं सामग्री लागत नियंत्रण मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के अंतर्गत। तो आज हमारा टॉपिक है मितव्ययी आदेश मात्रा, या इसको कह सकते हैं आर्थिक आदेश मात्रा, EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी। तो पहले तो देखते हैं कि मितव्ययी आदेश मात्रा या आर्थिक आदेश मात्रा EOQ क्या होता है। मितव्ययी या आर्थिक आदेश मात्रा का तात्पर्य क्रय की जाने वाली सामग्री की उस मात्रा से है जिस पर न्यूनतम व्यय हो। संस्था है वो कच्चा माल खरीदती रहती है, कच्चा माल वो खरीदती, तो आर्थिक आदेश मात्रा कच्चे माल की वो मात्रा होती है कि इतना माल एक साथ खरीदा जाए कि उस पर सबसे कम खर्चा हो। इतना माल एक साथ खरीदा जाए कि उस पर सबसे कम खर्चा हो, वो जो क्रय मात्रा होगी वो होती है आपकी मितव्ययी या आर्थिक आदेश मात्रा। तो EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी अपने कैसे निकालेंगे, EOQ बराबर 2CO बट्टे I, और इसका पूरे का अपने रूट के अंदर इसको लिखेंगे यानी इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो EOQ बराबर होता है 2CO बट्टे I और ये पूरा रूट के अंदर। यहाँ पर C का मतलब है एनुअल कंजम्पशन, कि कच्चे माल का एक साल के अंदर कितना कंजम्पशन होगा, यानी कच्चे माल का एक साल का वार्षिक उपभोग C का मतलब होता है। O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, यानी आदेश देने की लागत। तो O स्टैंड फॉर है प्रति आदेश लागत। और I का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट, यानी कच्चे माल की एक इकाई को एक वर्ष तक स्टोरेज करने या भंडारण करने पर जो लागत आती है वो होती है आपके कैरिंग कॉस्ट। तो सी का मतलब एनुअल कंजम्पशन, ओ प्रति आदेश की लागत, और आई का मतलब होता है एक इकाई के भंडारण पर एक वर्ष की लागत। तो इस प्रकार अपने निकालेंगे EOQ। उसके बाद में आगे अपने देखते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर्स, कि आदेशों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, कि एक साल में हम कितने आदेश देंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकलेगा आपके एनुअल कंजम्पशन बट्टे EOQ। भाई एनुअल कंजम्पशन तो हो गया वार्षिक उपभोग, और EOQ वो मात्रा होगी जो हम एक बार में खरीदते हैं। तो नंबर ऑफ ऑर्डर आएंगे आपके एनुअल कंजम्पशन बट्टे EOQ। आगे आते हैं आपके दो आदेशों के बीच समय अंतराल लीड टाइम, यानी पहला आदेश दिया अब दूसरा आदेश देंगे, तो दोनों आदेशों के बीच में टाइम जो गैप है वो कितना होना चाहिए। तो वो निकालने के लिए हमारे पास दो आदेशों के बीच समय अंतराल, उसका निकालने का फॉर्मूला है। अगर अपने को दिन में निकालना है तो ऊपर 365 दिन करेंगे, सवाल में 360 दे रखे हैं तो 360, मंथ के अंदर निकालना हो तो ऊपर 12 मंथ करेंगे, और ईयर्स में निकालना है तो ऊपर 1 ईयर्स करेंगे, और बट्टे लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो दो आदेशों के बीच समय अंतराल होगा 365 डेज या 12 महीने या एक साल बट्टे नंबर ऑफ ऑर्डर। तो ये आ जाएगा आपके दो आदेशों के बीच समय अंतराल। उसके बाद में है आपका ऑर्डर कॉस्ट, कि आदेश देने की लागत कितनी आएगी। तो आदेश देने की लागत के लिए देखेंगे कि साल में अपने कितने आदेश दे रहे हैं, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्रति आदेश की लागत से। तो ऑर्डर कॉस्ट आपकी होगी
कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर। ऑर्डर कॉस्ट होगी, कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर, यानी एक साल में हमने कितने आदेश दिए, जैसे चार दिए तो नंबर ऑफ ऑर्डर हो जाएंगे चार, और कॉस्ट पर ऑर्डर एक आदेश की लागत है माना 400 रुपये, तो 400 × 4 तो ये हो जाएगा आपके 1600 रुपये। इसके बाद में आते हैं आपके कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बट्टे दो, और इनटू करेंगे IC। EOQ बट्टे दो इनटू I। I आपको सवाल में दी हुई होगी है, या तो I दे देगा कि I 5 रुपये पर इकाई है, और यह वो कभी कभी क्या कि प्रतिशत में देता है कि कैरिंग कॉस्ट बराबर 20%। तो प्रतिशत में अगर दे रखी है तो जो परचेज प्राइस होती है उसका आपने उतने प्रतिशत निकाल लेते। जैसे कच्चे माल की एक यूनिट की परचेज प्राइस है 100 रुपये और कैरिंग कॉस्ट वो लिख रहे हैं 15%, तो 100 का 15% हुआ 15 रुपये। तो कैरिंग कॉस्ट होगी EOQ बट्टे दो इंटू I। उसके बाद में आता है आपके टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल परिवर्तनशील लागत। टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है टोटल ऑर्डर कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, यानी आदेश देने की लागत और भंडारण की लागत, इन दोनों को भी जोड़ देते हैं तो वो होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर हो जाएगी टोटल ऑर्डर कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट नीचे आ रहा है आपके टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट होगी परचेज प्राइस के अंदर, परचेज प्राइस में जब अपने टोटल वेरिएबल कॉस्ट जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट होगी परचेज प्राइस प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, या कर सकते हैं परचेज प्राइस प्लस टोटल ऑर्डर कॉस्ट प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट, क्योंकि टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट मिलकर ही बनेगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इसमें अगर अपने परचेज प्राइस जोड़ देंगे तो वो आ जाएगी टोटल कॉस्ट। तो ये था अपना EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या इसका दूसरा नाम है रीऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा या मितव्ययी आदेश मात्रा। धन्यवाद।